Hello students, so today we are going to discuss the questions of level 2 of the chapter General Organic Chemistry on the book Advanced Problems in Himanshu Pandey. Okay, so yes, so we are having first question before us. Which of the indicated hydrogen in the following is most acidic? तो पूछ रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है. देखिए हाइड्रोजन को एसिडिक बनने के लिए आपको पता है इट शुड हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट इट इलेक्ट्रॉन्स टू टुवर्ड्स द साइड एटम. तो यहाँ पे आपको अलग अलग, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अलग अलग नेमिंग दिया है. पी टाइप ऑफ हाइड्रोजन, वाई टाइप ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को बोला गया है. वैसे दिस आर एक्स टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज जेड टाइप ऑफ हाइड्रोजन. सो लेट्स सी, हाइड्रोजन को अगर बाहर जाना है इट हैज टू गो इन द फॉर्म ऑफ एच प्लस. दैट मीन्स वॉट, इट हैज टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द एटम विच इज बिसाइड दैट. नाउ द क्वेश्चन इज, इफ यू आर सीइंग एट पी, द हाइड्रोजन पी पहले वाला है ना, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा कि नहीं देगा, पहले देगा. वाई? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इजंट इट? सो दे सकता है, जल्दी दे सकता है कंपेयर टू वाई, बिकॉज हाइड्रोजन जो ये यहाँ पे है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे सकता है कार्बन को, लेकिन इतना आसान से नहीं देगा. क्यों देगा वो? बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना, सो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा. तो वाई पे नहीं देगा इतना आसान से, एक्स पर भी उतना आसान से नहीं देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा यहाँ पे. वाई? बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. तो है कहाँ? पी एंड जेड पर, बिकॉज जेड पर भी नाइट्रोजन लगा है, पी पर भी नाइट्रोजन लगा हुआ है. सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? माइनस. हाइड्रोजन बाहर कैसे आ जाएगा गाइस? एच प्लस के रूप में बाहर चले जाएगा. वंस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज माइनस आ गया, हम चेक करेंगे इसके कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके. अगर इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है हाइड्रोजन से, लेके अगर फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों लेगा? एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे क्या फायदा, देखिए, वंस नाइट्रोजन इज गेटिंग ए नेगेटिव चार्ज, वंस नाइट्रोजन इज गेटिंग ए नेगेटिव चार्ज ऑफ पी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, तो कॉन्जुगेशन है मतलब क्या है, रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा वो, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा. ठीक है, इसलिए आपका जल्दी ले लेगा तो हाइड्रोजन भी बाहर जा सकता है, इसलिए पी वाला हाइड्रोजन जो सबसे ज्यादा एसिडिक है ना. फिर से बता रहा हूँ, देखिए, नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से एट पी एंड जेड, नॉट एट वाई एंड एक्स. वाई एंड एक्स में क्या है, सी से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सी जो है इतना आसान से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा. तो बचा है क्या, क्या, पी एंड जेड. पी एंड जेड में से पी का नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पर तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए वो जल्दी ले जाएगा, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए आंसर आपका पी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन द मोस्ट एसिडिक. आपको पता है एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट है ना. दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस ऑफ प्रीवियस व्हाइल सॉल्विंग प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ लाइक लेवल 1 और एक्सरसाइज 1 है ना. सो इफ यू वांट यू कैन रेफर अदर वीडियोस, बट हियर हम लोग क्लियरली जानते हैं कि एसिडिटी बढ़ाने के लिए माइनस आई इफेक्ट क्या करना है, बढ़ाना है. तो माइनस आई इफेक्ट देखिए सब में क्या है, इसमें फ्लोरिन है, ये क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन मतलब हाइड्रोजन, प्रोटोन मतलब एच प्लस ऑफ हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन है, OH. सो हाइड्रोजन जाएगा तो ये सब में जाएगा, तो किस में जल्दी जाएगा वो देखना है. इसमें फ्लोरिन खींचता है, पता है आपको ना, खींचता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसमें आयोडीन है, थोड़ा कम खींचता है. इसमें फ्लोरिन है, इसमें भी फ्लोरिन है, तो ये तो खींचेगा नहीं आयोडीन. बाकी बचा ACD. ACD में देखिए फ्लोरिन जो है सबसे पास में लगा हुआ है, जितना पास में लगेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई इफेक्ट, क्योंकि आई इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, जितना दूर जाते रहेंगे आपका आई इफेक्ट उतना कम होता जाएगा. बट डी में क्या है, पास में लगा है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा है ना, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द सेम स्पीसीज है ना. तो यहाँ पे बोल रहा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स? देखिए जब भी एक एलिमेंट या सॉरी एक कंपाउंड को आप सारे प्रॉपर्टीज दिखा नहीं सकते हैं थ्रू वन लुईस स्ट्रक्चर, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक से ज्यादा टाइप ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ता है टू रिप्रेजेंट दैट कंपाउंड और टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड है ना. जैसे कि कभी कभी बोलते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर का क्वालिटी पोस्ट इतने सारे होते हैं, इतने ड्यूटीज होते हैं कि वो ड्यूटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आदमी जरूरत नहीं पड़ता है, उससे ज्यादा जरूरत पड़ता है, एक आदमी से ज्यादा है ना. जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे हमारा कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं,
those who support PM. वैसे ही बट ऑल ऑफ देम दे रिप्रेजेंट व्हाट द सेम गवर्नमेंट. वैसे ही एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जब एक लुई स्ट्रक्चर काफी नहीं होता है, वैसे बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आके एक लुई स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो आके रिप्रेजेंट करते हैं एक रीजन एक ओरिजिनल मॉलिक्यूल को, दैट दे आर रेफर्ड एज रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स और ऑल्सो कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. एंड उनमें से सबसे जो स्टेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड. अभी तो आया नहीं है बट फ्यूचर में कभी आ सकता है. रेजोनेंस हाइब्रिड कौन होता है, वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में से सबसे ज्यादा आपका प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करने वाला. होप आप समझ गए, एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार इसमें ज्यादा आदमी चाहिए पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है. ऐसे सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर अकेले तो ना सारे काम कर सकता है ना वैसे, ठीक है. उनमें से सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में से जो मिनिस्टर सबसे ज्यादा काम करेगा, दैट विल बी अ रेजोनेंस हाइब्रिड. होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशंस. तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, डज नॉट रिप्रेजेंट द रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना. तो आपको चेक करना है ये जो कंपाउंड्स आपको देख रहे हैं ना. रेजोनेंस मतलब आपको पता है, रेजोनेंस मीन्स कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन मीन्स वॉट, रेजोनेंस मीन्स कॉन्जुगेशन. वॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट. आपको पता है अल्टरनेट में क्या क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, है ना. सॉरी, डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव कैटन या कार्बोकैटन या कार्बेनन जो भी, या लोन पैर, है ना. जो भी अल्टरनेट में अगर आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन. जहां पर भी कॉन्जुगेशन आता है वहां पर रेजोनेंस आ ही जाता है. तो पहला केस में देखिए, पहला केस में बोल रहा है कि चेक करना है दोनों, एक दोनों ये दोनों जो है रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स है कि नहीं. रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स है कि नहीं कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, रेजोनेंस है. तो रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, कहाँ से कहाँ होगा. देखिए ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले तो कार्बन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को, सेकंड कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है. इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आ सकता है ना. एंड यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा. जब ये कार्बन को प्लस चार्ज आ जाएगा एंड ऑक्सीजन को माइनस चार्ज है, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, क्या करेगा इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, जो कि इस केस में आपको दिख रहा है ना, वही कर रहा है ना. सी एंड ओ के बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे बनने वाला है. तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होगा इस तरफ अगर शिफ्ट होगा, अगर 2 से 1 जा रहा है तो इन दोनों के बीच में इसके ऊपर चार्ज प्लस आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, जो कि आपका सेकंड केस में पूरा क्लियरली दिख रहा है. देयरफॉर दिस टू आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ऐसे चेक करना है ना. तो दूसरा केस में आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दूसरा केस में लेट अस इरेज दिस, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सी एच प्लस, है ना. यहाँ पे आपको दिख रहा है सी एच प्लस, है ना. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, आर एबल टू सी द कॉन्जुगेशन है कि नहीं है. पहला केस में कॉन्जुगेशन है. आप अगर इनमें से एक बॉन्ड को तोड़ दिए, है ना, एक बॉन्ड को तोड़ दिए, तो आपको पता है दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना. जब बॉन्ड को तोड़ दिया मतलब क्या, आप समझिए कि एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना, और एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दिया ऐसे, है ना. तो अगर ऐसे हुआ तो ये प्लस माइनस के डबल बॉन्ड बना सकता हूँ ना मैं, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था, प्लस माइनस जहाँ पर भी होता है गाइस वहाँ पे डबल बॉन्ड आप दे सकते हो. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर बना लिया तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा नहीं बन जाएगा, उल्टा होगा ना, अपोजिटली सोचिएगा. सो बोथ आर सेम. तीसरे वाले में आइए, तीसरे वाले में आप ये बॉन्ड को मान लीजिए तोड़ दिए, ये बॉन्ड का आपने तोड़ दिया, तो क्या होगा, इसको मान लीजिए आपने प्लस बना दिया और इसको आपने माइनस बना लिया, तो ये प्लस माइनस कुछ डबल बॉन्ड दे सकते हैं ना. देखिए बॉन्ड टूट गया और ये डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे प्लस आ गया, कंपेयर हो रहा है ना, सेम है ना, बोथ आर यस. डी पे आइए, ए बी सी हो गया मतलब डी, ए बी सी में नहीं हो रहा मतलब डी ऑब्वियसली होगा. स्टिल यू कैन चेक, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज नहीं है. और इस केस में आपको देखिए शॉर्टकट में मिल जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक माइनस चार्ज है तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, नो टेंशन इन दैट. यहाँ पे एक प्लस चार्ज है तो यहाँ पर भी एक प्लस चार्ज है, सेकंड ऑप्शन है, उसमें भी टेंशन नहीं है. यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस है, इसमें भी टेंशन नहीं है. लेकिन डी में देखिए क्या हो रहा है, एक प्लस माइनस है इस तरफ और इस तरफ खाली, इस तरफ एक प्लस माइनस है और इस तरफ खाली आपका एक प्लस है. सो ये दोनों आपको क्या कर रहा है, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहा है, इसलिए डी विल बी योर आंसर. डी किसका आंसर है, आई मीन कैसे आंसर है, डज नॉट रिप्रेजेंट. लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लोग आंसर नहीं बनेंगे. क्वेश्चन पूछा है डज नॉट रिप्रेजेंट, ये दोनों एक नहीं है. क्यों एक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज है लेकिन यहाँ पे खाली
प्लस चार्ज है, पहला केस में प्लस माइनस चार्ज है, यहाँ पे पहले प्लस चार्ज है माइनस कर रहा है इसलिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लानर मॉलिक्यूल। सो क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि इन दोनों में कौन प्लानर मॉलिक्यूल नहीं है। तो प्लानर मॉलिक्यूल के लिए क्राइटेरिया क्या है, प्लानर मॉलिक्यूल के क्राइटेरिया है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कौन सा क्राइटेरिया है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कब होता है गाइस, आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा, कार्बन खाली आप देख रहे हो, चेकिंग ओनली कार्बन, बी केयरफुल। ओके, तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको sp2 देखना चाहिए, या sp होने से भी चलेगा, है ना। हम देखेंगे sp2 मतलब sp2 का शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लानर, इसलिए लोग क्या होते हैं सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पहला केस में देखिए हो क्या रहा है, पहला केस में यह कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, बीच वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, सॉरी sp, और इसका पहले वाला लास्ट वाला का sp2, और इसका भी sp2, है ना। पहचान पा रहे हैं हाइब्रिडेशन कैसे पहचानेंगे गाइस, sp हाइब्रिडेशन में कैसे बोला, बिकॉज इसके पास दो पाई बॉन्ड है, जिसके पास दो पाई बॉन्ड होते हैं वो आपका sp हो जाएगा, है ना, और जिसके पास एक पाई बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में एक sp आ गया, है ना, तो sp जो आ गया, sp मतलब क्या है, शेप क्या होगा, लीनियर, है ना। तो ये कार्बन का जो प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे, ऐसे लीनियर होंगे, है ना। तो ये तो लीनियर होगा, ये लीनियर मतलब लाइन पे है, बट बात ये कि ये कार्बन का एंड ये कार्बन का ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमें चेक करना है, ठीक है। पाई बॉन्ड बना रहे हैं मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन रहे हैं मतलब इन दोनों के बीच में क्या एक बॉन्ड है, है ना, जो कि एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है। पाई बॉन्ड मतलब हमेशा देखिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे पाई बॉन्ड यहाँ पे कौन बना रहा है, पी ऑर्बिटल बनाते हैं, पी का शेप क्या होता है, डंबल। तो डंबल अगर पाई बॉन्ड बना रहे तो कैसे होगा, ऐसे साइड वाइज ओवरलैप होके होगा, दिस इज योर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो आप जानते ही हो ना, ऐसे रहता है हेड ऑन ओवरलैप, सो दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज योर पाई बॉन्ड, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड तो हो रहा है इन दोनों के बीच में, मान लीजिए नंबरिंग दे दिए 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 में से, 1, 2, 3 में से, है ना, पाई बॉन्ड किस किस के बीच में, पाई बॉन्ड आपका 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3 के बीच में है, पाई बॉन्ड आपका 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3 के बीच में। सो 1 एंड 2 के बीच में एक प्लेन है, 2 एंड 3 के बीच में एक प्लेन है, लेकिन ये प्लेन्स एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो हमें देखना है, ठीक है। बहुत सिंपल लॉजिक है, जब एक कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा गाइस, मान लीजिए कार्बन का अच्छा से देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन को रिलेट करके, है ना, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा रिलेटेड है, आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छा से जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो कौन बनाता है, जनरली पी बनाता है। अगर मान लीजिए कार्बन के पास, किसी के पास भी तीन प्रकार का पी होते हैं, PX होता है, PY होता है और PZ होता है, है ना। तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बना रहा है कार्बन, एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो क्या करेगा, दो पी ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा, मान लीजिए PX और PY को यूज़ कर रहा है। तो मान लीजिए ये कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, है ना, ये मान लीजिए आपका PX है, ये कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो किसके साथ बनाएगा, PX के साथ ही बनाएगा ना। तो सेकेंड एंड थर्ड कार्बन का PX के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है, एक प्लेन में है। वैसे मान लीजिए ये कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, अगर ये कार्बन का PX हो गया, सेकेंड कार्बन का अगर PX हो गया तो बचा क्या है, PY। तो ये जो PY कैसे होगा, X का परपेंडिकुलर, X का परपेंडिकुलर में होगा। तो अगर मैं ऐसे PY बना रहा हूँ, थोड़ा सा टिल्ट करके अगर मैं PY बनाऊंगा, तो इसका भी किसके साथ मैच करेगा, PY के साथ मैच करेगा। ये आपका PY, इसका PY, दूसरा PY, आपका PY, ये दोनों प्लेन में है, समझ आ रहा है। और ये दोनों कैसे प्लेन में है, PX का प्लेन में है, ये दोनों का पाई बॉन्ड, ये दोनों का पाई बॉन्ड कैसे है, PY के बीच में है। सो ऐसे, लेकिन देखिए आपका प्लेन अलग हो गया है ना, ये X प्लेन है, वो PY प्लेन है। तो ऐसे देख रहे तो आपका प्लेन अलग हो जाएगा, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए प्लानर मॉलिक्यूल, है ना। तो प्लानर मॉलिक्यूल इसलिए नहीं है बिकॉज आपका प्लेन चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब आप चेक कर सकते हो, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे बिल्कुल, ओके। इस केस में देखिए, इस केस में तो sp2 sp2, लेकिन ये आपका फिर क्या हो गया, sp हो गया, है ना। सो ऐसे आपको चेक करना है। सो पहले वाला को, इसको स्पेशल केसेस बोलते हैं, दे आर यू नो ऑल्सो रिफर्ड एज एलिन्स। एलिन्स कभी भी एक प्लेन में नहीं होते हैं। और थोड़ा अगर नॉलेज देना चाहूँगा तो आप बोल सकते हो कि आपका जो एलिन्स है, दे आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। यहाँ पे कार्बन कार्बन नहीं होते बट स्टिल दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। सो आपको चाहिए देन आई कैन ड्रॉ अनदर डायग्राम एंड पुट यू इन द कमेंट, ओके, इफ यू वांट यू कैन कमेंट मी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कौन सा फॉलोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
देखिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बेसिक क्या चाहिए, कुछ भी हो जाए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपका चार्जेस अलग नहीं होना चाहिए। अगर चार्जेस अलग हो रहा है तो चलेगा, बट अगेन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज नहीं होना चाहिए। आई मीन चार्जेस अलग नहीं होना चाहिए, बट अलग कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, होगा तो होगा, बट कुछ भी चीज हो जाए आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अगर चेंज हो गया दैट मीन्स आपका, दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अगर चेंज हो गया दैट मीन्स आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो कभी भी नहीं बन सकता है। ठीक है, सो इस केस में देखिए क्या हो रहा है। पहला केस में देखिए, डज नॉट रिप्रेजेंट बोला है ना, तो इसमें देखिए प्लस माइनस चार्ज है, इसमें भी प्लस माइनस चार्ज है, बहुत अच्छा है ना, तो कुछ टेंशन नहीं है। और जैसे अरेंजमेंट वैसे ही है ना, CH3CNO, CH3CNO, सो बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम स्ट्रक्चर, बोथ आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। दूसरे केस में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्लस दो माइनस, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए एक प्लस दो माइनस, यहाँ पर भी देखिए एक प्लस और दो माइनस, सेम है ना, कुछ फर्क नहीं है ना, चेंज तो नहीं है। और अरेंजमेंट देखिए वैसे जैसे था वैसे ही है, CH2 डबल बॉन्ड N ऊपर हो नीचे हो, CH2 डबल बॉन्ड N ऊपर हो नीचे हो, है ना, सो नो चेंज। चार्जेस में चेंज नहीं है कि आपका अरेंजमेंट में भी चेंज नहीं है। कमिंग टू ऑप्शन सी, यहाँ पे देखिए चार्जेस में देखिए एक प्लस और एक माइनस, इधर भी एक प्लस एक माइनस, है ना, और अरेंजमेंट देखिए सेम है ना, अरेंजमेंट में चेंज नहीं हो तो भी नहीं होगा, तो ABC नहीं होगा तो ऑब्वियसली डी होगा। डी पे देखिए क्या हो रहा है, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH3+, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा एक प्लस चार्ज, यहाँ पे देखिए एक प्लस चार्ज, लेकिन यहाँ पे O के साइड में हाइड्रोजन है नहीं था और यहाँ पे आ गया, सो दैट मीन्स व्हाट, अरेंजमेंट में चेंज हो गया, तो यहाँ का हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया, सो अरेंजमेंट में चेंज हो गया, देयरफॉर दे कैन नॉट बी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द स्ट्रक्चर ऑन द राइट मेजर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर। देखिए ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बहुत देखेंगे आगे जाके चल के, इसलिए थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, है ना। इज आस्किंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द स्ट्रक्चर ऑन द राइट, राइट मतलब ये समझ रहे हैं? नहीं, आप देख रहे हो सामने से, तो ये आपका लेफ्ट पार्ट होगा, ये आपका राइट राइट होगा, तो राइट पार्ट में जो बोल रहा है ये आपका क्या होना चाहिए ना, मेजर क्या होना चाहिए, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर। मेजर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया था रेजोनेंस का, गवर्नमेंट वाला एग्जाम्पल, जैसे प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, वैसे एक मॉलिक्यूल भी, एक लुविस डॉट स्ट्रक्चर भी एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कभी कभी एक लुविस डॉट स्ट्रक्चर काफी नहीं होता है एक मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को बताने के लिए। जैसे कि हमारा देश का सारे काम करने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर काम, प्राइम मिनिस्टर से नहीं होता है तो क्या बनाना पड़ता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं, सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के काम करते हैं, है ना। वैसे वैसे जब आप एक लुविस स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड को अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे एक लुविस स्ट्रक्चर में, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ते हैं अलग अलग क्या करके, स्ट्रक्चर्स बना के, जो कि सारे के सारे एक मेन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें से जो सबसे ज्यादा, उनमें से जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इज मैचिंग विद द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है। जैसे कि मैक्सिमम काम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स कर रहे हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के काम के साथ मैच कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर, मेजर मेजर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा। तो जानेंगे कैसे, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहला रूल वन क्या होता है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिसमें आपका सेम होगा, आई मीन जिसमें सबसे ज्यादा होगा, मोर होगा, दैट विल बी योर मोर मेजर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर, है ना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका, स्टेबिलिटी, है ना, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, किसको कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर को, सो देयरफॉर दैट विल बी अ मेजर रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर, पहला रूल। दूसरा रूल आपको क्या बताता है, दूसरा रूल आपको बताता है अगर आपका पाई बॉन्ड सेम है तो आपको क्या करना है, ऑक्टेट देखना है। क्या करना है, ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब आपको पता है पेट को भरना है एलिमेंट का, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन से पेट भरना है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट, फुलफिलिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, फुली फिलिंग द बैलेंस सेल ऑफ एन एटम बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस कॉल्ड एज ऑक्टेट, है ना, दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या करना चाहिए, हाँ, जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है वो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी उसका भी ज्यादा होगा, जिसमें ऑक्टेट रूल ज्यादा फॉलो करता है उसका भी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ गए। देन थर्ड वाला, थर्ड वाला में क्या है, थर्ड रूल में क्या है, थर्ड रूल बोलता है कि आपका
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हैं उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। दिस इज रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 बोलता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो भी होते हैं वो पास में रहना चाहिए, ऑपोजिट चार्जेस शुड बी नियर, शुड बी नियर, या तो आप ऐसे बोल सकते हो सिमिलर चार्जेस शुड बी फार, सिमिलर चार्जेस शुड बी फार। सिमिलर चार्जेस क्यों दूर में रखना है गाइस, क्योंकि आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस अगर पास में रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, सिमिलर चार्जेस शुड बी इन फार। ओके सो दीज आर द रूल्स, रूल्स को फॉलो करके हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में क्या है, देखिए ये पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज अ स्ट्रक्चर ऑन द राइट मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, राइट वाला हम लोग देखेंगे, ये मेजर होना चाहिए। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, सबके सब सेम देख रहे हैं, इसमें प्लस माइनस आ गया, इसमें प्लस माइनस नहीं है। आपको पता है अगर प्लस माइनस चार्ज आ गया है ना, अगर प्लस माइनस चार्ज आ गया तो क्या करेगा, वो स्टेबिलिटी कमा देगा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो सेम है ना दोनों में, देखिए इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें और एक पॉइंट क्या है, चार्जेस जब भी आ जाते हैं क्या होते हैं, अनफॉर्चुनेटली स्टेबिलिटी कमा देता है, तो इसका स्टेबिलिटी कम है, तो गया ये। तो इसमें देखिए, इसका भी देखिए सेम है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल, इसका भी सी एच टू सिंगल बॉन्ड, ये भी, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। लेकिन इसमें जो प्लस माइनस चार्जेस हैं इसमें नहीं है, प्लस माइनस चार्जेस आ गया तो स्टेबिलिटी क्या कर लेगा, कमा लेगा, तो भी गया। तो इस केस में देखिए, इस केस में देखिए न्यूट्रल है ये, जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें प्लस माइनस आ गया, लेकिन हमारा रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस आ गया मतलब स्टेबिलिटी कमा लेगा, लेकिन अगेन द कंडीशन स्पेशल केस है, कभी कभी क्या होता है ना, रिंग आ जाता है, प्लस बनाते बनाते आपका रिंग हो जाएगा। जब भी रिंग आ जाता है आपको क्या करना है, एक एरोमेटिक टेंडेंसी के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, एरोमेटिक टेंडेंसी के लिए देखना है। आपको तीन प्रकार के कंपाउंड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, एरोमेटिक है ना, ये हो गया, मिटा दे रहा हूँ, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ठीक है, तीन प्रकार के आपको कंपाउंड्स मिलेंगे रिंग वाले, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, जो आपका 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो करते हैं, किसका रूल फॉलो करते हैं, 4n प्लस 2, एरोमेटिक क्या होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिसमें, उसको जनरल हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं, और भी कुछ रूल्स हैं, बट दिस रूल इज एक्चुअली जनरेटेड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड एज हकल, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको हकल्स रूल, है ना। सो हकल्स रूल, हकल्स रूल के हिसाब से 4n प्लस 2, n की जगह में क्या डाल सकते हो गाइस, आप 0 से स्टार्ट करके 1, 2 ऐसे डाल सकते हो, आप कुछ भी नंबर यहाँ पे डाले, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहिए, कंपाउंड्स के साथ मैच करना चाहिए। तो इस केस में देखिए, दूसरे केस में देखिए, यहाँ पे क्या है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है गाइस, आपको देखिए एक पाई बॉन्ड दिख रहा है अंदर, एक पाई बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे n की जगह में 0 डाल दूँ, अगर n की जगह में 0 डाल दूँ तो कितना हो जाएगा, 4 × 0 + 2, टोटल कितने हो रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ना, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है, एरोमेटिक हो रहा है, एंड एरोमेटिक होने से क्या होता है गाइस, स्टेबिलिटी बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस केस में देखिए प्लस माइनस चार्ज है, लेकिन इसमें क्या है, स्टेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में राइट वाला जो है ज़्यादा स्टेबल है, किससे, लेफ्ट वाला से, द फाइनल आंसर इज सी, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वही चीज़ पूछा है शायद फिर से, है ना, क्या बोला है, मेजर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूट्स इज अ स्ट्रक्चर, राइट जो है मेजर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, राइट वाला जो है वो आपका मेजर कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। मेजर कंट्रीब्यूटर के लिए आपको रूल बताया, सबसे पहला क्या करोगे, पाई बॉन्ड चेक करोगे, है ना। तो पाई बॉन्ड चेक कीजिए, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो इसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड है तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल, तो राइट वाला स्टेबल हो गया ना लेफ्ट से, राइट वाला लेफ्ट से स्टेबल हो गया, तो पहला वाला हो रहा है। दूसरा वाला देखिए क्या हो रहा है, इसमें कितने पाई बॉन्ड गाइस, पाई पाई, 2 पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो सेम हो गया, फिर क्या करोगे आप, चेक कीजिए क्या डिफरेंस है दोनों में, ये n के ऊपर जो प्लस चार्ज है, इधर भी n के ऊपर प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे देखिए c के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे देखिए n के ऊपर माइनस चार्ज है। हमारा एक रूल था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज। इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, c एंड n में से n ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, n ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, n के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस है, तो माइनस है यहाँ पर, इसलिए 2 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है 1 से, तो 1 भी हो रहा है 2 भी हो रहा है ना, तो ऑप्शन में एक है ना, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, 2 हो गया हमारा, तो तीसरा ऑब्वियसली हो
होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड अरेंजमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये आपको पूछा है कि स्टेबिलिटी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। स्टेबिलिटी के लिए वही रूल्स है, अगेन मेजर कंट्रीब्यूटर का जो रूल्स वगैरह था वही था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड चेक करना है। पाई बॉन्ड देखिए, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड। इसमें दोनों में है ही नहीं, तो इन दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है ना। तो एक एक पाई बॉन्ड में आपको पता है इसमें इसमें देखिए चार्ज वगैरह कुछ नहीं, लेकिन इसमें चार्ज है। चार्ज आने पर क्या होता है, स्टेबिलिटी सेकेंड केस में कमा देगा। वन पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, यहाँ पे जीरो पाई बॉन्ड्स है ना। तो इन दोनों में वन वन पाई बॉन्ड, तो इन दोनों हम लोग कंपेयर किए, ये वन पाई पाई, ये भी वन पाई। तो इन दोनों जब कंपेयर किए, इसमें चार्ज नहीं है वन पे, इसलिए वन सबसे ज़्यादा स्टेबल। वन के बाद कौन आएगा, टू आएगा। वन के बाद टू, कोई है एक ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। तो बाकी दोनों को चेक कर लीजिए, वैसे ही मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट शो रेजोनेंस। रेजोनेंस कौन नहीं दिखा पाएगा। देखिए रेजोनेंस कौन नहीं दिखाता है, जिसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया है। ऑक्टेट इज फुलफिल्ड, जिसका हो गया वो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। देखिए इस ऑक्टेट फुलफिल या सी प्लस चार्ज, सी प्लस मतलब बेचारा इसके पास ऑक्टेट है। कार्बन के कितने बॉन्ड है, नीचे एक बॉन्ड और दो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड, तो तीन बॉन्ड मतलब कितना है, छः इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, आठ छः, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। तो सिक्स इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ। इसमें ऑक्टेट फुलफिल हुआ है, नहीं हुआ है। और एक बात देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस भी है ना, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस। कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन ऑक्टेट, लेकिन कॉन्जुगेशन होने पर क्या होगा, रेजोनेंस दिखाएगा। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ना, सिंगल बॉन्ड सॉरी लो कार्बोकैटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। और ऑक्टेट भी फुलफिल नहीं हुआ है, ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है। कार्बोकैटायन्स का याद रखिए, कभी भी ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ रहता है, इसलिए वो लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस दिखाएंगे। ए भी दिखाएगा, बी भी दिखाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विल नॉट शो रेजोनेंस, कौन नहीं दिखाएगा। दोनों दिखा लिए, नीचे जाके देखते हैं। ये दिखाएगा सी वाला, सी पे देखिए कॉन्जुगेशन तो है, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का देखिए कितने बॉन्ड्स हो गए, एक दो, नीचे की तरफ तीन और यहाँ पे चार, तो चार बॉन्ड्स, तो आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो नाइट्रोजन का क्या हो जा रहा है आपका, नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल्ड हो जा रहा है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल होने के वजह से, नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल होने की वजह से आपका वो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। इसमें रेजोनेंस है डी में, देखिए पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। तो आंसर है आपका सी, जो कि रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, डी ऑर्बिटल जिसमें है वो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस दिखाएगा, ऑब्वियसली इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास नहीं है, क्लोरीन के पास भी नहीं है, है ना, डी ऑर्बिटल्स नहीं। किसके पास है, फॉस्फरस के पास डी ऑर्बिटल्स है। कैसे पता करोगे, देखिए फॉस्फरस का कॉन्फिगरेशन लिखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, फॉस्फरस का कितना है, एटम नंबर 15, 15 मतलब क्या है, 1s2, 2s2 और क्या लिख सकता हूँ, 2p6, 3s2 और 3p5। देखिए हमने किस में एंट्री किया, थर्ड सेल में एंट्री किया। थर्ड सेल में आपको पता है फर्स्ट सेल में खाली एस होता है सब सेल, सेकेंड सेल में एस और पी भी होता है, लेकिन थर्ड में एस पी और डी भी रहता है, लेकिन इसमें खाली है डी, है ना, डी रहता है लेकिन खाली है। सो फॉस्फेस के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल से, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस दिखा सकता है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको बताया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने के लिए आपको चार्जेस सेम होना चाहिए, चार्जेस को आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड भी दे सकते हो। तो इस केस में देखिए, ये आपको जो दिख रहा है इसका, ये तो होगा है ना, खाली इंटरचेंज हो गया डबल बॉन्ड्स का पोजीशन, जिससे बेंजीन का होता है, ये तो होगा। इन दोनों में होंगे कि नहीं होंगे, देखिए प्लस माइनस चार्ज जब भी दिख रहा है, प्लस माइनस को हटा के आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड दे सकते हो। या तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, मांगेगा ना, रेजोनेंस है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज। तो यहाँ पे यहाँ का जो माइनस चार्ज में एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ये बन जाएगा ना, वही बन जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मांगेगा, है ना। तो ये कहाँ से मांगेगा, यहाँ से मांगेगा, और ये कहाँ से मांगेगा, नीचे से मांगेगा, और ये कहाँ से मांगेगा, इधर से मांगेगा। तो ऐसे ही चक्कर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर वही बन जाएंगे, है ना। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमिसिबल रेजोनेटिंग फॉर्म। आपको बताया था रेजोनेटिंग फॉर्म होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, कंडीशंस वगैरह
आपका रेजोनेटिंग फॉर्म में आपको हमेशा चेक करना है कि किसी किसी भी ऑक्टेट जो वाला है, हाँ ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना यस। तो इस केस में देखिए, हाँ सी वाला ऑप्शन में देखिए, मैं आपको ढूंढते ढूंढते मेरा आँख गिर गया यहाँ पे। तो सी वाला देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड हो गए, पाँच बॉन्ड हो गए। पाँच बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स को बेचारा संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। सो दिस इज नॉट ए परमिसिबल रेजोनेंस फॉर्म। बाकी सब का हो सकता है। नेक्स्ट है 13, लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है, इसका लेस स्टेबिलिटी, इसका लेस स्टेबिलिटी। तो लेस स्टेबिलिटी जानने के लिए क्या है, आपका रिपल्शन ज़्यादा होना चाहिए कॉम्पाउंड में, है ना। ऐसा केस आपको ढूंढना है ना। तो आपको पहले एक काम कर सकते हो, आप स्टेबिलिटी देख सकते हो। स्टेबिलिटी में जो ज़्यादा वाला है वो सबसे मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जो कम है वो लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो ज़्यादा वाला कैसे चेक करोगे, पाई बॉन्ड्स है, इसके कितने पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए में लो पाई बॉन्ड, ऑप्शन बी में कितने पाई बॉन्ड है, एक ही दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी एक दिख रहा है, ऑप्शन डी में भी एक दिख रहा है। सो एक एक एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो ये तीनों में से एक आंसर होगा, ए तो नहीं होगा। ए सबसे ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि इसमें दो पाई बॉन्ड है। तो ये तीनों में से बी सी डी एन में से एक एक पाई जो है, अभी हम क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट चेक करेंगे, ऑक्टेट फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ है। देखिए आपको बताया था कार्बोकैटायन का कभी भी ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है, यहाँ पे ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है, तो ऑक्टेट से भी काम नहीं चला। तो आपको और क्या चेक करना है, ऑक्टेट से भी काम नहीं चला, तो आप और क्या चेक कर सकते हो आप पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्ज को देख सकते हो, है ना। तो मैं आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अगर आसपास में रहेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट बताया था चार्जेस के बारे में कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अगर पास में रहेगा तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव पास में रहेंगे तो भी रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव पास में रहेंगे तो भी रिपल्सन होगा, तो दोनों को पास में नहीं रखना है, ऑपोजिट चार्जेस को पास में रख सकते हो, है ना। और एक पॉइंट आपको बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसमें तो नेगेटिव चार्जेस जिसमें आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर तो माइनस चार्जेस आपको दिख ही रहे हैं, तो आप चेक कीजिए किसी भी ऑप्शन में सेम प्रकार का चार्ज आसपास में है कि नहीं, तो आपको दिखेगा ऑप्शन सी में सेम प्रकार का चार्ज आसपास में, तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, देयरफॉर लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट, विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगेन वही है लीस्ट स्टेबल। तो सबसे पहले क्या करोगे, पाई बॉन्ड चेक करोगे, पाई बॉन्ड चेक कीजिए, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक, सॉरी इसमें एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड हो गए, है ना, टोटल दो सी में, सॉरी डी में, सी में भी दो, यहाँ पे एक पाई और यहाँ पे एक पाई, तो पाई बॉन्ड सेम हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, ऑक्टेट चेक करोगे, ऑक्टेट के हिसाब से अगर देखा जाए, ऑक्टेट के हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है ना। आपको क्या पूछा है, लिस्ट टेबल ना, लिस्ट टेबल मतलब जिसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है उसी को देखना है, इसका फुलफिल नहीं हुआ अच्छा है, और इसका भी फुलफिल नहीं हुआ है, ये दोनों में से कोई होगा आंसर, है ना। जिसको फुलफिल हो जाएगा ऑक्टेट तो स्टेबल हो जाएगा ना। इन दोनों में फिर कंपेयर कैसे करेंगे, इन दोनों में देखिए ये प्लस माइनस चार्ज आसपास में है, इधर ही प्लस माइनस चार्ज, ऑप्शन ए में प्लस पास में है, ऑप्शन बी में ही पास में है, लेकिन और अच्छा से देखेंगे आपको एक चीज पता चलेगा, यहाँ पे लोन पेयर एंड ये माइनस चार्ज आसपास में रहेंगे, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन, रिपल्सन बढ़ गया मतलब क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो आपको बताया था ये रूल्स वगैरह चेक करना है जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड कभी कभी स्पेशल केसेस एरोमेटिक का आ जाता है। लीस्ट स्टेबल बोला है ना, तो पाई बॉन्ड्स चेक कीजिए, पाई बॉन्ड्स कम होना चाहिए उसमें, है ना, पाई बॉन्ड्स कम होना चाहिए, इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं, देखिए एक दो तीन पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड्स कितने हैं, एक दो तीन पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, एक दो तीन चार, चार पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है ये, लेकिन आपको क्या पूछा, लिस्ट स्टेबल पूछा है, डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तीन, एक दो तीन, सो बचा क्या, डी तो काटिए, बचा तो ए बी सी में से एक होगा, तो पाई बॉन्ड्स तीन में से तीनों में तीन तीन है ना, चार से कम है, तीन तीन है, फिर क्या चेक करेंगे गाइस, आपको चार्जेस चेक करना है ना। तो चार्जेस चेक करने के टाइम में हमेशा देखिए आपका अगर रिंग वगैरह कुछ आ गया तो एरोमेटिक स्पीसीज होने का चांसेस है, एक केस है ना। तो उस केस में और केस आपको बताया था, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर क्या होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज होना चाहिए।
है ना, और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है, जो कि ऑपोजिट चार्जेस हो आसपास में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है आसपास में है, तो ये क्या ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा हम लोग मानेंगे ना। हाँ लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस को हटा के अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिए तो ये बेंजीन क्यों हो जा रहा है ना, देखिए बेंजीन हो जा रहा है। बेंजीन आपको पता है एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक आपको पता है ज़्यादा स्टेबल है ना। तो ये डबल बॉन्ड बनेगा तो स्टेबल हो रहा है, तो क्या करेगा चार्जेस को हटा के डबल बॉन्ड बनाने के लिए ट्राई करेगा कौन, सी है ना। सी जो है डबल बॉन्ड बना के, डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे बेंजीन के अंदर बेंजीन बनने के ये में प्रयत्न में रहेगा, जिसके वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अभी क्या अनस्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे एरोमेटिक नहीं हुआ है। प्लस माइनस हटा क्या कर देगा, क्या करेगा वो डबल बॉन्ड बना देगा, समझ में आया। बाकी ए एंड बी में क्या प्रॉब्लम है, ए एंड बी में तो पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है तीन तीन, लेकिन वो लोग स्टेबल दिख रहे हैं मुझे, वो लोग स्टेबल दिख रहे हैं। सी जितना रिएक्टिव होगा ना प्लस माइनस को हटाने के चक्कर में, एरोमेटिक पाने के चक्कर में, है ना, स्टेबल होने के चक्कर में वो रिएक्टिव हो जाएगा सी, ठीक है। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इज नॉट ए पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगेन द सेम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए आपका क्या चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए एंड कॉन्जुगेशन होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखिए एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन एच, एच सी डबल बॉन्ड एन एच, एन एच एटम्स तो लाइन पे हैं, चार्जेस देखिए यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है, कुछ टेंशन नहीं है। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, चार्ज भी चेंज नहीं हुआ, अंदर में रीअरेंजमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, तो वो था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा में देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, नहीं है, लेकिन देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहला एंड दूसरा आपके बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड सॉरी दूसरा एंड तीसरा के बीच में है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहला एंड दूसरे के बीच में आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। डबल बॉन्ड का मूवमेंट होगा कब, वेन एवर देर इज कॉन्जुगेशन, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ही नहीं ना, तो कैसे ट्रांसफर हो जाएगा। सो आंसर इज बी, सो दे आर नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना। नेक्स्ट 17, विच इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डू नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगेन वही है, डू नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉन्फिगरेशन देखना है, चार्ज देखना है ना। यहाँ पे देखिए कॉन्फिगरेशन पहले वाले में पता चल रहा है, सी डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, सी सिंगल बॉन्ड ओ एच, है ना। सो कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया है, सो दे कैन नॉट बी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। दे आर वॉट, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एक ये इनोल फॉर्म है, एक्चुअली एक कीटो फॉर्म है। सो दीज आर टॉटोमर्स, दीज आर टॉटोमर्स, ठीक है, एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है, ठीक है। आंसर इज ए। नेक्स्ट अगेन, द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पारा नाइट्रोसो बेंजीन, है ना। स्टेबल आपको पूछा है इस बार, स्टेबल के लिए आपको पता है पाई बॉन्ड ज़्यादा होना चाहिए, है ना। पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दो तीन चार पाँच, इसमें पाँच पाई बॉन्ड है, इसमें टोटल पाँच पाई बॉन्ड है। और इधर देखिए एक दो तीन चार पाँच, इसमें भी पाँच है, मस्त, इसमें भी पाँच पाई बॉन्ड है। इसमें कितना है देखिए, एक दो तीन चार, अरे वाह, इसमें भी पांच है, इसमें देखिए इसमें भी पांच है। अरे पाई बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, है ना, पाई बॉन्ड से काम नहीं चला, सब में पांच पांच पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको पता है पाई बॉन्ड से जब काम नहीं चला, आपको ऑक्टेट थ्योरी देखना है। ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से सी प्लस जो है वो आपका आपका और वो आपसे बोलते हैं। है ना। सो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं से काम नहीं चला, चलो ऑक्टेट देखेंगे, ऑक्टेट के हिसाब से देखेंगे तो किस में ऑक्टेट रह गया, अनफुलफिल्ड हो गया। ए में देखिए, ए में ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि ए में क्या है, कार्बोकैटायन है, वहाँ पे ऑक्टेट नहीं हो रहा है। बी में होगा क्या, बी में हो सकता है माइनस चार्ज है ना, हो सकता है। सी में माइनस, सी में तो ऑक्टेट हो रहा है ना सबका, सी में हो रहा है, देखिए अच्छे से आर एबल टू गेट ऑक्टेट, मतलब सबके पास आठ आठ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सी में हो रहा है ऑक्टेट, लेकिन क्या है माइनस चार्ज आ गया सी में एक्स्ट्रा। आपको पता है चार्जेस इतना कम होने से उतना अच्छा है, सी में भी माइनस चार्ज है, डी में माइनस चार्ज है, लेकिन ऑप्शन सॉरी बी में माइनस चार्ज है और डी में भी माइनस चार्ज, माइनस चार्ज हमें नहीं चाहिए बाबा, हमें न्यूट्रल वाला चाहिए, तो स्टेबल वाला तो अच्छा है।
हाँ तो इस केस में देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज है, ओके पर माइनस चार्ज से चलेगा, लेकिन ऑक्टेट तो फुलफिल हो रहा है सबका, है ना, और बड़ा सा रेजोनेंस है, तो आंसर इज सी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग वीडियो। ओके, टिल देन।